चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। कह रहा है कि अखबार के संपादक को अब क्या करना है, एक पत्र लिखना है, एक चिट्ठी लिखना है, एक्सप्लेनिंग योर व्यूज, यानी अपने व्यू को समझाते हुए कि आपका क्या मोटो है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। ऑन द नीड फॉर ए हॉस्पिटल इन योर लोकेलिटी, जिसमें कि आपको एक जरूरत है। नीड मतलब क्या होता है, जरूरत है, जिसमें आपको यह जरूरत है, और उसी के बारे में आप समझा रहे हैं संपादक को कि आपके आसपास में या आपके मोहल्ले में या गांव में जहां पर आप रहते हैं उस क्षेत्र में एक हॉस्पिटल की आवश्यकता हो, यही आपको ऑडिटर को समझाना है, बताना है, लिखना है। टू द ऑडिटर या एडिटर, द ऑडिटर किसका ऑडिटर है, तो यह हिंदुस्तान टाइम्स का है, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया का होगा तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया लिखेंगे, कहाँ से प्रकाशित हो रहा है तो पटना से हो रहा है इसलिए पटना लिखेंगे, और यह ऑडिटर जो है यह पटने के ही है। सर महाशय, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड पेपर आई शुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज मतलब लिख लीजिएगा प्राधिकरण, क्या होता है प्राधिकरण एक संस्था है, प्रॉब्लम्स में क्या होता है समस्या फेस्ड बाय द पीपल ऑफ आवर लोकेलिटी। कह रहा है लड़का, मतलब लेखक जो है जो लिख रहा है कि थ्रू द, कह रहा है कि आपके सम्मानित अखबार से, कह रहा है कि आपके सम्मानित अखबार के कॉलम से, अखबार में पूरा अखबार में एक ही चीज नहीं लिखा रहता, बहुत सारा चीज लिखा रहता है, तो उसमें कॉलम होते हैं अलग 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 अलग, तो उसमें कह रहा है कि आपके सम्मानित अखबार के कॉलम से, यहाँ से या स्तंभ से, यहाँ से कॉलम भी आप लिख दीजिएगा तो कोई गलत नहीं होगा, कह रहा है कि आपके सम्मानित अखबार के कॉलम से या स्तंभ से आई शुड लाइक टू ड्रॉ, आपको मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। द अथॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, कह रहा है कि यह जो प्रॉब्लम जो समस्या है, फेस्ड बाई द पीपुल, लोगों के द्वारा जो समस्या का सामना किया जा रहा है, फेस्ड मतलब सामना करना, सामना किया जा रहा है, और लोकेलिटी जो हमारे लोग हमारे आसपास के लोग हैं, देयर इज नो हॉस्पिटल विथ इन द रेडियस, रेडियस मतलब क्या होता है, रेडियस मतलब होता है त्रिज्या, यहाँ पर रेडियस का मतलब होता है धूरी, यानी हमारे आसपास, ठीक है ना, हमारे घेरा में जहाँ पर हम रह रहे हैं उसके आसपास ये होगा रेडियस। वैसे इंग्लिश में आप जाइए, इंग्लिश बोल रहे हैं, मैथ में जाइए तो रेडियस मतलब है त्रिज्या, यानी गोलाई का हाफ जो होता है। तो कह रहा है कि 5 किलोमीटर ऑफ बेला इंडस्ट्रियल एस्टेट, कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी अस्पताल नहीं है, यहाँ पर कोई भी अस्पताल नहीं है, कहाँ, जहाँ पर हम रहते हैं उसके 5 किलोमीटर के घेरे में या दूरी के में कहीं पर भी कोई अस्पताल नहीं है, कहाँ पर, बेला इंडस्ट्रियल एस्टेट, यानी बेला औद्योगिक केंद्र में, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट क्लिनिक आर फार अवे फ्रॉम हियर, कह रहा है कि अधिकांश प्राइवेट क्लिनिक जो है, जो पब्लिक का जो क्लिनिक होता है, चिकित्सालय जो होता है, वो कहाँ है, फार अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से काफी दूर है, इसलिए सो द पीपुल ऑफ द लोकेलिटी हैव टू सफर अ लॉट फॉर वांट ऑफ अ गुड हॉस्पिटल, इसलिए लोग जो है हमारे आसपास के जो लोग हैं वे जब बीमार पड़ते हैं तो ए लॉट ऑफ अधिक संख्या में वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा अस्पताल हो, जो लोग यहाँ पर बीमार पड़ते हैं उनके लिए क्या हो, एक अच्छा अस्पताल हो, ये लोग चाह रहे हैं, वांट मतलब चाहना। लास्ट पैराग्राफ है, विल द अथॉरिटीज टेक सम क्विक, क्विक मतलब क्या होता है, जल्दी या जल्द से जल्द एक्शन इन दिस डायरेक्शन एंड सेट ऑफ इवन अ स्मॉल हॉस्पिटल टू बिगिन विथ। अब कह रहा है कि क्या, विल से स्टार्ट है इसलिए क्या होगा, क्या अथॉरिटी यानी प्रशासन या प्राधिकरण कोई क्विक एक्शन लेगा, कोई जल्द से कोई कदम उठाएगा, क्विक एक्शन मतलब जल्द से जल्द कदम उठाना, कोई कदम उठाएगा
इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, इन दिस डायरेक्शन, इस क्षेत्र में हॉस्पिटल खोलने के क्षेत्र में, एंड सेट ऑफ इवन अ स्मॉल हॉस्पिटल, और जल्द से जल्द क्या करे, एक छोटा सा स्मॉल अस्पताल, यानी छोटा अस्पताल भी यहाँ पर खोल सके, यह कहना चाह रहा है लेखक। उसके बाद हम यहाँ पर डेट डाल देंगे जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन का। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे योर ट्रूली, संपादक को लिखते हैं या किसी प्रशासनिक अधिकारी, योर ट्रूली ही लिखेंगे यहाँ पर, योर फेथफुली नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट बार वो देख रहा है तो आपका विश्वासी कहना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। हम लोग फेथफुली कहाँ यूज करते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल के लिए और कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको बहुत दिन से जान रहे हैं, 2 साल 3 साल जिस दिन से आप पढ़ रहे हैं उस दिन से वो आपको जान रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ट्रूली ही लिखेंगे, वैसे फेथफुली भी लिखेगा तो कोई गलत नहीं होगा। लेटर में, एप्लीकेशन में यही चीज़ ध्यान देना होता है कि ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ज़्यादा लिखेंगे तो गलत होगा, कम लिखेंगे कम गलत होगा, जो मोटा मोटा बात होता है वही लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, जो आपका नाम है वही लिखेगा इसमें भी। और उसके बाद देखिए ये बेला इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में लिख रहा है, यहाँ से लिख रहा है तो यहीं का पता देगा, ठीक है ना। और ये कहाँ का है, दुमका का है, दुमका एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। थैंक यू।